नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 11 सितंबर शुक्रवार। जनरली हम देखते हैं शुक्रवार के सेशन में ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है, जो भी कमोडिटी या करेंसी में तेजी थी पूरे हफ्ते उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड वाइस वर्सा। कल के सेशन की अगर बात करें तो यूएसडी एनएल में कल बहुत ही अच्छा मूव हमने बनते हुए देखा। हमने देखा प्राइजेस 73.20 का भी लेवल छूते हुए देखा और वहां से पूरा रिकवर करके हमने अपसाइड में फिर से 73.60 का लेवल रिगेन करते हुए देखा। ओवरऑल वॉलिटिलिटी बनी हुई है और आने वाले सेशंस में और बढ़ेगी। यूरो में भी कल हमने 0.5% की तेजी आते हुए देखी, पाउंड में हमने तेजी आते हुए देखी और येन में हमने गिरावट आते हुए देखी। कल के सेशन में हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में भी काफी फंडामेंटल्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। कल इक्विटी मार्केट में हमने बेतहाशा अच्छी तेजी आते हुए देखी रिलायंस के चलते, जिसके चलते रुपए में मजबूती थी और साथ में हमने देखा इंटरनेशनल में डॉलर में इनिशियली तो तेजी थी बट डेटा पॉइंट को देखते हुए थोड़ी गिरावट आई, जिसकी वजह से भी रुपए पे मजबूती बनी हुई। साथ में ईसीबी में हमने देखा कि जो ऑफिशियल है इंटरेस्ट रेट में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ बट जो ब्लॉक्स या इकोनॉमी आउटलुक है वहां पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील्ड होता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते आज की ओपनिंग अगर हम बात करें तो यूएसडी आईएनआर तो हमें लगता है फ्लैटिस्ट होन ही रहेगा। 73.60 के करीब ओपन होगा, 73.70 के करीब मिले तो बेच के चलना है, 73.40 का टारगेट देखने मिल जाएगा। वहीं यूरो में कल की मोमेंटम के बाद आज भी मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा, बट ध्यान रखिए 87.30-40 के जंप पे हमें बेच के ही काम करना है। वहीं अगर हम पाउंड की बात करें तो शॉर्ट कवरिंग के चलते कल हमने तेजी जरूर देखी बट अभी भी जो ग्रोइंग कंसर्न है ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन को लेकर, ब्रेग्जिट को लेकर, वो कंसर्न काफी इंपॉर्टेंट। और कल के सेशन में हमने बड़ी बिकवाली शाम के सेशन में जीबीपी आईएनआर में आते हुए देखी, जिसका असर आज देखने मिलेगा और प्राइजेस करीबन 94.34 के करीब ओपन होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगी और मे बी 94 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। वहीं जेपीवाई की अगर बात करें तो प्राइजेस स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 69 के नीचे नहीं जा पा रहा है ना ही 70 के ऊपर जा पा रहा है, यही रेंज कंटिन्यू रहेगा। वहीं डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो आज काफी बड़ा डेटा पॉइंट है, हम जापान से स्टार्ट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा काफी अच्छा आया है, पीपीआई का भी डेटा स्टेबल है, जबकि आज यूके से हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ सर्विस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा, जहाँ पे थोड़ा ड्रॉप दिख रहा है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी थोड़ा ड्रॉप दिखा रहा है, जिसके चलते आज पाउंड में कंटिन्यू गिरावट रहेगी। चाइना से भी मनी सप्लाई का डेटा है, न्यू लोन का डेटा है, वो काफी अच्छा दिखा रहा है, जिसके चलते आज बेस मेटल को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है सेकंड हाफ में। वहीं अगर यूएस की अगर बात करें तो सीपीआई कोर सीपीआई का डेटा खराब आते हुए दिखाई दे रहा है और साथ में फेडरल बजट की अगर बात करें रात को 11:30 बजे डेटा है, यहाँ पे काफी खराब है। तो डॉलर की गिरावट के चलते आज सेकंड हाफ में हम यूरो पाउंड सब में तेजी देखेंगे, जबकि फर्स्ट हाफ में गिरावट आएगी। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो जिस तरह से हमने कहा था के प्राइजेस में 93.80 के ऊपर जब तक नहीं निकलता पॉसिबल है हम फिर से फॉल देखेंगे, अब प्राइजेस में फॉल दिखा रहा है जो 92.90 तक का लेवल फिर से हम देख पाएंगे, पर 93 तोड़कर होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। यूरो में अभी भी मार्केट साइडवे है, ट्रेंड नेगेटिव जाने की उम्मीद है, जो 86.27 का लेवल तोड़ने पे हम बड़ी बिकवाली देखेंगे, अदरवाइज 87.50 से लेकर 86.50 का दायरा है उसी में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में आपको कमोडिटी से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड सभी अपडेट